सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी यूट्यूब की वीडियो में एंट्रो ऐसे लगाएं तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को देखिए, तो आपको मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कैसे कैसे आप भी बिना सॉफ्टवेयर के। एक वेबसाइट है जिसमें मैंने आपको स्टेप बाई स्टेप बताया हुआ है कि आप कैसे कैसे अपने वीडियो को मतलब के क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो गाइस कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम आ गए हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन कीजिए और यहाँ पर आप टाइप कीजिए PANZOID मार्बल रोटेटिंग इंट्रो। तो इसको टाइप करने के बाद एंटर कीजिए और फर्स्ट जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको ओपन इन क्लिप मेकर 2 ऐसे दिख रहा है जो, और साथ में आपको ओपन इन क्लिप मेकर 3 भी दिख रहा है, तो आप 2 पर क्लिक कर लीजिए। तो जी अभी देख रहे हैं कि जे इसको मैं प्ले करता हूँ तो जो आपने स्टार्टिंग में इंट्रो दिखा था वैसे ये प्ले हो रहा है। तो ऐसे इंट्रो बनाने के लिए आपको वीडियो है जो पहले से पूरा का पूरा देखना पड़ेगा, फिर ही आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर हमको क्या एडिटिंग करनी है, क्या कस्टमाइज करना है, क्या चेंजेस करने हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लें, फिर ही आप ऐसे मतलब कि जो वीडियो बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कम से कम 18 थंबनेल्स है जो आपके वीडियो को, जब थंबनेल बोल सकते हैं, अगर आप थंबनेल लगाना चाहते हैं या अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो आप कम से कम 18 फोटोज़ है वो चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद में आपको दिख रहा है मार्बल टेक्स्ट, मार्बल ग्रुप टेक्स्ट 1, ऐसे आपको कम से 18 दिखेंगे, ठीक है, टेक्स्ट 18 दिखेंगे। तो आपने फॉलो करना है कैसे कैसे मैंने कहाँ पर क्या चेंजेस किए हैं, वैसे वैसे आपने चेंजेस करने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जोशी टेक को, वो सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही और सारी वीडियोस हैं जो मैं आपके लिए एडिटिंग कर रहा हूँ अभी, तो जल्दी से जल्दी वो भी लाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो मार्वल लिखा था, यहाँ पर मैंने जोशी अपना मतलब कि जो मेरे चैनल का नाम है जोशी टेक, तो मैंने जोशी एडिट कर लिया। तो आपको भी जहाँ पर मार्वल लिखा हो वहाँ पर आप जो अपने चैनल का नाम है जो भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर लीजिए और उसको एंटर कर दीजिए। ऐसे आपके आगे 18 टेक्स्ट आएंगे, तो आपको 18 के 18 ही मार्वल की जगह पर अपना नाम लिख देना या अपने चैनल का नाम लिख देना। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसको जैसे मैंने टाइप किया है, टाइप करने के बाद एंटर जरूर करना है। अगर आप एंटर करेंगे तो फिर ही वो आपका मतलब कि जो टाइप किया वो सेव होगा, अदरवाइज अगर आप टाइप करके माउस के कर्सर से क्लिक कर देते तो वो सेव नहीं होगा। तो आपको एंटर जरूर करना है। जैसे कि आपने देखा है कि 1 से लेकर 18 तक जितने भी टेक्स्ट थे जहाँ पर मार्वल लिखा हुआ था वहाँ पर मैंने अपना जोशी टेक लिख लिया है। तो ऐसे ही आप भी कर लेना और साथ
यहाँ पर आपने इमेज को सिलेक्ट करना है, जो जो इमेज आपने लगानी है वो उसको सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए आगे का प्रोसेस मैं कैसे करता हूँ, तो स्टेप बाई स्टेप अभी वैसे कीजिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिए, तभी आपको मतलब कि पूरा का पूरा सेटिंग करने का तरीका पता चलेगा। तो चलते हैं आगे अगले स्टेप में। जैसे कि मैंने पूरी पिक्चर्स जो मेरे थंबनेल थे वो मैंने यहाँ पर लगा लिए, और लगाने के बाद अभी आप देख रहे हैं कि जो मैंने लोगो बनाया है अपना जोशी टैग का, वो मतलब के पिक्चर्स में आ रहा है। तो ऐसे ही आपको भी सारी की सारी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप देखना है आपने ध्यान से कि मैंने क्या क्या ऑप्शन कहाँ कहाँ पर यूज़ किया है। तो ये देख सकते हैं जोशी टैग आ गया है, तो पूरी वीडियो को प्लीज़ देखिए। इसके आगे अभी आपको रेक्टेंगल की ऑप्शन आ रही है, तो आप रेक्टेंगल में जाके इमेज को सिलेक्ट कीजिए, और जहाँ पर भी आपने जो जो पिक्चर थंबनेल्स के लिए ली हुई थी उसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही सिलेक्ट करते जाइए। और देखिए मैंने वीडियो में कैसे बताया हुआ है, वैसे आप भी इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए। और जैसे कि आपने देखा कि जितनी भी 18 रेक्टेंगल की पिक्चर थी वो मैंने सारी की सारी अभी सेलेक्ट कर दी है, और अभी मैंने इसको प्ले किया और जितनी भी पिक्चर मैंने सेलेक्ट की थी वो सारी की सारी वीडियो में कन्वर्ट हो गई है। और जहाँ पर मैं जैसे मैंने जोशी टैग लिखा हुआ था उसमें मतलब के लोगों में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो देखते जाइए वीडियो में कैसे दिखता है आगे। क्लिक करूंगा और उसको स्टार्ट रेंडरिंग पर क्लिक कर देता है। तो ये आपके कंप्यूटर पर डिपेंड करता है कि आपका पीसी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है। अगर आपका पीसी सही होगा मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होगी तो ये जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तो अभी मेरा प्रोसेसिंग है जो रेंडर हो रहा है, तो अभी रेंडरिंग के बाद आप वीडियो को देख लीजिएगा तो मतलब मेरी बन गई है।